हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब तो ठीक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने ज़िंदगी में दोस्तों। और आज के न्यू वीडियो में आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत है छोटे भाई की ओर से। और दोस्तों, आज तो पूरा दिन भर मौसम ख़राब है, मैं भी छतरी लेकर आया हूँ, देख सकते हो इधर छतरी लेकर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। इधर कंठकारी के नाम से एक जड़ी बूटी औषधि है, कंठकारी बोलते हैं जिसको, कठेरी भी बोल देते हैं, उसी की औषधि गुण बताने वाला हूं। अभी ठंडा के दिन में बहुत सर्दी खांसी जुकाम का बीमारी रहता है, सर्दी खांसी जुकाम बलगम बहुत सारे, ठंड का दिन पड़ने वाला है तो उसके लिए औषधि गुण बताने वाला हूं मैं आप सबको। तो कंठकारी उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है और उसका उपयोग आप सबको बताने वाला हूँ। आपके साइड में मिलता होगा तो उसे देखकर जरूर पहचान लो कंठकारी का पौधा, और उसी को बताने वाला हूँ। वो सर्दी खांसी जुकाम बलगम और श्वास की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है, रामबाण इलाज है मान लो वो, उसके काढ़ा बनाकर पीने से। तो उसका परिचय आप सबको मैं करा देता हूँ। इधर ही मिलता है हमारे खेत के साइड में, बहुत सारे औषधि हैं हमारे साइड में, इधर खेत के साइड में तो बहुत सारे हैं, और उसे बारी बारी से मैं दिखाता रहता हूँ आप सबको। और हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और अभी ठंडी का दिन है तो हम देख सकते हो स्वेटर लगा कर रखे हुए हैं, 2-3 दिन से बरसात हो रहा है तो क्या करें, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। फिर भी हम आप सबके लिए जानकारी देने के लिए छतरी लेकर घूम रहे हैं, देख सकते हो, और अपना जानकारी दे रहे हैं आप सबको। हम जैसा जानते हैं वैसे दिखाते हैं दोस्तों, और आप सबको ना अच्छा लगता होगा हमारा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों, और नया से नया जानकारी आप सब पा सको। तो आज मौसम का नज़ारा देख सकते हो इस प्रकार से है, बदली छाया हुआ है पूरा, और हम तो छतरी लेकर घूम रहे हैं और मौसम साफ नहीं है, पता नहीं कितने दिनों तक की बरसात है। तो बरसात का दिन लग गया है ऐसा लग रहा है, और ठंडा का मौसम है अभी तो, बिन बादल बारिश हो रहा है समझो, बिन बिन मौसम के बारिश हो रहा है। बारिश के दिन में तो बारिश नहीं हुआ था लेकिन अभी बारिश हो रहा है, ठंड और ज़्यादा बढ़ गया है हमारे साइड में, और बदली हटने के बाद तो और ठंड बढ़ जाएगा, क्या करें दोस्तों। और ठंड भी लग रहा है, चलो इधर ही है, मैं दिखा देता हूँ कंठकारी और उसका औषधि गुण आप सबको। और ठंडी का दिन है तो अभी उसका उपयोग आप सब लोग कर लोगे। छतरी लेकर घूम रहा हूँ मैं, क्या करूँ बरसात लग गया है। तो इधर है कंठकारी, उसका औषधि गुण आप सबको दिखा देता हूँ। और कंठकारी के नाम से तो जो जानते होंगे वो पहचान लिए होंगे नाम ही सुनकर, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो पहचान कराना ज़रूरी है भाई। तो चलो दिखा देते हैं, इधर ही था कंठकारी का पौधा, थोड़ा आगे मिलेगा वहाँ पर जाकर देखते हैं। छतरी लेकर घूम रहे हैं, क्या करें आपको जानकारी देने के लिए, ठंडी का मौसम है तो उसका बहुत फ़ायदा आने वाला है अभी आगे चलकर आप सबको। उसका औषधि गुण जान लिए ना तो बहुत ही फायदा होगा आप सबके लिए। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो, और चलो उसका औषधि गुण आप सबको दिखा ही देता हूँ, और पौधे को पहचान करा ही देता हूँ उस औषधि को। और दूर में पहाड़ है लेकिन आज धुंधली की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला की वजह से देख रहे हो, दूर में है पहाड़। मैं इधर आकर कई बार वीडियो बना चुका हूँ लेकिन मौसम इस प्रकार से है, धुआं उड़ रहा है पहाड़ से पूरा, देख सकते हो। कंठकारी कहाँ गया, इधर ही था, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं जाकर दिखा ही देता हूँ आप सबको, पहचान कराऊँगा तभी तो उसका उपयोग ले सकोगे आप सब। तो चलो ढूंढ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मिलता हूँ मैं आप सबको। इधर ही देखा था लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, उधर आगे में है, मैं वहाँ पर जाकर मिलता हूँ आप सबको और उसका पहचान करा देता हूँ। और दोस्तों, जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल ही गया हमें, कंठकारी देख सकते हो, कठेरी के नाम से भी जानते हैं और कंठकारी भी बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसे भसकटिया भी बोल देते हैं, इसमें कांटा लगा रहता है इसीलिए भसकटिया, आराम से पैर पे गड़ जाता है इसीलिए इसका नाम भसपटिया रख दिए हैं, भसकटिया। और इसका हिंदी नाम कंठकारी या कठेरी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से रहता है, इसका पत्ता पूरा कांटीला रहता है, देख सकते हो, चुभ गया तो बहुत ही
आसानी से अंदर घुस जाता है, नरम कटीला है लेकिन आसानी से पैर पे घुस जाता है या शरीर के किसी भी अंग में, इसे हाथ से छूने से भी हाथ में चुभ जाता है। और इस प्रकार से फूल है इसका देख सकते हो, और इसका औषधि गुण बहुत है दोस्तों कंठकारी या कठेरी का। तो इसका आयुर्वेदिक प्रयोग आप सबको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लाखों रुपया खर्चा कर लेते हैं दो लोगों श्वास के बीमारी, दमा के बीमारी के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हो, काढ़ा बनाकर या इसका चूर्ण भी बनाकर ले सकते हो, ताज़ा मिल रहा है। तो इसका रस 1 से 2 ग्राम 1 चम्मच मंदरस में मिलाकर पीने से ना बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। आपका कफ जम गया है, गला में खराश है, तो उसके लिए बहुत ही रामबाण इलाज है इसका। 1-2 ग्राम रस के साथ 1 चम्मच शहद मिला दो, उसमें भी बहुत फायदा करता है। और काढ़ा बनाकर पीना चाहते हो तो काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो। इसका जड़ी और इसका तना और पत्ता सबका काढ़ा, पूरा पंचांग का काढ़ा बनाकर ले सकते हो। इसमें हल्का सा एक हर्रा आता है उसे डाल देना है, हर्रा बोलते हैं, हर्रा बहरा आंवला ये सब तो जानते होंगे आप लोग। तो हर्रा का इसका एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना है इसमें, और काढ़ा बनाकर सुबह पी लो। 2-3 दिन पियोगे ना तो गले में खराश, सर्दी, खांसी, बलगम जो भी रहता है वो साफ हो ही जाता है 1-2 खुराक लेने से ही। और कई लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं और डॉक्टरों से इलाज करा कर पैसा खर्च करते हैं, तो उसके लिए ये रामबाण है दोस्तों। कंठकारी का प्रयोग करो और ये तो फ्री में मिल जाता है दोस्तों, ये भारत देश में सभी देश में रहते हैं, भारत के सभी एरिया में मिल जाएगा, भारत देश में छत्तीसगढ़ और ये औषधि पूरे भारत देश में तो मिलता ही मिलता है, और सभी के एरिया में भी मिलता होगा। तो इसे देखकर अच्छे से पहचान लो दोस्तों। काढ़ा बनाकर भी ले सकते हो और चूर्ण के साथ भी ले सकते हो। मैंने 2 प्रकार का आपको सेवन करने की विधि बता दिया हूँ, तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है इसका औषधि गुण। श्वास के लिए भी बहुत ही फायदा करता है दोस्तों, श्वास के लिए भी आप सबको बता दे रहा हूँ मैं। इसका काढ़ा बनाकर डेली सेवन करने से ना इसके पूरे पंचांग का सेवन करने से श्वास की बीमारी रहता है, दमा की बीमारी रहता है, तो उसमें भी औषधि गुण है, बहुत ही फायदा मिलता है उसके लिए भी। श्वास या दमा के रोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, और सर्दी खांसी बलगम बुखार के लिए भी, सर्दी की वजह से ही हल्का बुखार आ जाता है, तो इसका सेवन करने से ना इसका काढ़ा बनाकर डेली सेवन करने से आपके शरीर को पूरा स्फूर्ति मिल जाएगा, और सर्दी खांसी जो रहता है उससे भी आराम मिल जाएगा आप सबको। तो बहुत ही अच्छा फायदा करता है इसका औषधि गुण। मैं कल ही इसका सेवन करके देखा हूँ दोस्तों, और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो इसी का सेवन करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो मैं जानता हूँ, इसीलिए आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा फायदा करता है, और हमारे लिए तो किया बहुत ही अच्छा फायदा। और अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में कई लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, गले का बीमारी, हर प्रकार की बीमारी आता है ठंड के दिन में दोस्तों, तो इसका सेवन करना चाहिए आपको। हम तो करते हैं, और क्या बताएं आप सबको, इसी का सेवन करके सर्दी खांसी बलगम सब ठीक हो जाता है। इसका खुराक भी बता दिया, काढ़ा बनाकर पीना चाहो तो भी ठीक है, और चूर्ण बनाकर लेना चाहते हो तो भी ठीक है। चूर्ण बनाकर रखे रहोगे तब किसी समय इसका पौधा नहीं मिल पाता है इस औषधि, तो चूर्ण बनाकर रख लेना, और उसका भी उपयोग काढ़ा बनाकर कर सकते हो। 1/2 ग्राम चूर्ण को डाल दो पानी में और उबाल कर पी लेने से भी बलगम खांसी जुकाम की बीमारी रहता है उसमें भी फायदेमंद करता है, और तुरंत ताज़ा मिल जाता है तो अच्छी बात है। इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हो इसके पूरे पंचांग का। तो दोस्तों आज के जानकारी वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपसे लेते हैं विदा। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय जोहार।